press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. पटना जिले के पालीगंज अनुमंडल थाने क्षेत्र के हदेवपुरी तोरनी गांव निवासी 1923 में नागपुर के झंडा आंदोलन में अंग्रेजों द्वारा दी गई कठोर यातना के बाद अचानक तबीयत बिगड़ने से शहीद हुए। देश के प्रथम सत्याग्रही शहीद आजम शहीद वीर हरदेव नारायण सिंह जी 116वीं जयंती समारोह आयोजित कर धूमधाम से मनाई गई। देश की आजादी के 72 वर्षों के बीतने के बावजूद आज तक उपेक्षित किए रहे वीर हरदेव सिंह की आज तक उनकी एक अदद प्रतिमा भी बनाई जा सकी। उनके आधे अधूरे प्रतिमा पर जयंती के इस पावन और पवित्र अवसर उनके चरणों पर अतिथियों ने पुष्प अर्पित करते हुए आधे अधूरे मन से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आए कुशवाहा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सामाजिक कार्यकर्ता डॉ शक्ति सिंह शोला ने कहा कि मैं अपनी ओर से वर्षों से उपेक्षित रहे नागपुर के झंडा आंदोलन में अपने प्राणों को न्योक्षावर करने अमर बलिदानी शहीद वीर हरदेव नारायण सिंह की प्रतिमा का जीर्णोद्धार के साथ यहाँ की सौंदर्यीकरण कार्य करने की घोषणा करता हूँ। साथ ही उन्होंने स्थानीय लोगों द्वारा की गई मांग की शहीद वीर हरदेव नारायण सिंह के नाम इसी पंचायत के रामपुर नागवा गाँव में बन रहे निर्माणाधीन अनुमंडल कोर्ट और जेल की नामांकरण किया जाए, इसके प्रति भी समर्थन देते हुए कहा सरकार को यह मांग पूरी करे, इसके लिए हम हर संभव अपनी ओर से प्रयास करूंगा, जिसकी आश्वासन हम देते हैं। वहीं इस अवसर पर स्थानीय मुखिया पूर्व जिला पार्षद ने भी राज्य सरकार से शहीद वीर हरदेव नारायण सिंह जी नाम अनुमंडल जेल का नामांकरण करने मांग किया है। साथ ही इस अवसर पर जुटे सभी अतिथियों एक शुरू यह मांग राज्य सरकार से किया है। इस अवसर पर आयोजित सभा की अध्यक्षता सह सभा का संचालन समाज सेवी जुझारू सामाजिक कार्यकर्ता डॉ राजकिशोर सिंह उर्फ राही जी के साथ सामाजिक कार्यकर्ता भाजपा के पालीगंज के वरिष्ठ नेता ब्रीजा प्रसाद सिंह यादव, रामपुर पंचायत के मुखिया रविश जी, लोजपा दलित सेना जिलाध्यक्ष मोहन चौधरी, दीक्षाविद महेंद्र प्रसाद, सुनील कुमार, हरदेव बाबू के भतीजे कमलेश सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता शशिकांत आर्य, रामलडू यादव, पप्पू यादव समेत सभी लोगों शहीद हरदेव नारायण सिंह के नाम पर जेल का नामांकरण करने की मांग एक सुर में उठाए। इस बीच सैनिकों की संख्या ग्रामीण उपस्थित रहे। पटना से रत्नेश कुमार की रिपोर्ट। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।